शबाज शरीफ ने कल कहा है ना कि मैं यहाँ कुछ नहीं करने के लिए आया, मैं यहाँ पर जनाब डिनर करने के लिए आया हूँ। एक फैमिली मीटिंग थी, हम अपना बड़े भाई भतीजे, मेरा बेटा और मेरी भतीजियाँ और फैमिली वाले बैठे थे, हमने खाना इकट्ठे खाया और गपशप मारी। डूब कर नहीं मरते, शर्म नहीं आती कि जिस मुल्क के अंदर बेटियां अपनी इज्जतें बेचकर दो वक्त का खाना पूरा कर रही हों, और जिस मुल्क के अंदर बाप अपनी बेटियां लेकर उनके गले काट कर और खुद भी नहरों में और जनाब दरियाओं में छलांगे मार रहे हों, जो कौम अपनी इस हालत पर उतर आई हो, कौम भी कहती है जी इस्लाम पर कौन चल सकता है। मैंने कहा बिल्कुल ना चलो, फिर ये तुम्हारे पहने हुए कपड़े भी ना उतरवा ले तो तुम हमें कहना, और जब कोई इस्लाम पर चलता है तो होता है क्या फिर। ये इसलिए इकबाल ने कहा वो मुअज्जज़ थे जमाने में मुसलमान होकर, और हम खार हुए तारे के कुरान होकर। जब तक हुजूर का दीन नहीं आता, इसी तरह ही जालिम से बढ़कर जालिम। ये बुजुर्ग बैठे हैं सफेद दाढ़ियों वाले, इनसे पूछें, ये सुना करते थे कि अय्यूब दौर आया, फिर अय्यूब के बाद आने वाला उससे बदतर, और कोई बेहतरी आ सकती है तो कोई औरंगजेब आलमगीर का खादिम आएगा तो बेहतरी आ सकती है, वरना यहाँ जुल्म का निजाम ही रहेगा।